2018 लगभग 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को जो है वो हटाया गया है। सबसे पहले तो हम उसका जो है वो स्वागत करते हैं। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार एनडीए सरकार से अपील करते हैं कि जनमत का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए थे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के समय देखिए वादा किया गया था बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापिस करने का, उसके बाद वादा किया गया था कि चुनाव विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। तो हमारी मांग है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर को उसको उसका राज्य का दर्जा जो है वो लौटा दिया जाना चाहिए। देखिए हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है दिल्ली जैसी खींचातानी जैसे हालात बने, आपस में जो है राज्यपाल उपराज्यपाल या मंत्रिमंडल के अंदर आपस में किसी तरह की खींचातानी हो जिसका सफर जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को ना करना पड़े। इसके साथ ही इस समय जो है जनता ने अपना जनमत दे दिया है, अपना मैंडेट दे दिया है, जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया गया है और कांग्रेस और नेका गठबंधन को जो है वो पूर्ण बहुमत मिला है और नेका और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला जी जो है वो मुख्यमंत्री का पद उनके लिए घोषित भी किया जा चुका है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जा सके हैं चुके हैं। उनसे भी जो है शिवसेना अपील करती है कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं लौटा दिया जाता वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार ना करे, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक उनके पास जो है अधिकार क्षेत्र अपने पूरे ना हो। देखिए भारतीय संविधान भी जो है चुनी हुई सरकार को प्रशासनिक अधिकारों की जिम्मेदारी देता है। तो एक बार फिर मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर को तत्काल प्रभाव से जो है वो राज्य का दर्जा लौटा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस समय उपराज्यपाल के बदलाव को लेकर भी जो है अटकलों का बाजार गर्म है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी बदलाव दिया जाएगा, क्योंकि राज्य के अंदर राज्यपाल का पद जो है वो माना जाता है और जो राज्यपाल बनाया जाएगा, देखिए आदरणीय मनोज सिन्हा जी लगभग 4 साल के आसपास उपराज्यपाल के पद पर रहे हैं, बिल्कुल मिला जुला इनका शासनकाल रहा है। ऐसा भी नहीं है इनको कामयाबी भी मिली है, लोकसभा के चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए गए हैं, हाल ही के अंदर विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं असफलता भी रही है आतंकवाद से निपटने को लेकर। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर में जो भी आप राज्यपाल देंगे वह सेवानिवृत्त अनुभवी सेना अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद ग्रस्त इलाका है, जम्मू कश्मीर एक सीमावर्ती इलाका है, इसके लिए किसी ना किसी अनुभव व्यक्ति को सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को जो है राज्यपाल के पद पर यहां नियुक्त किया जाना चाहिए।